हो जाएं सावधान, कहीं आप भी ना हो जाएं साइबर ठगी के शिकार। साइबर ठगी करने वाले 6-7 अभियुक्त गिरफ्तार। नकदी सहित 3 मोटरसाइकिलें, भारी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड, 2 देसी तमंचे बरामद। अभियुक्तों के बैंक के खाते सीज। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार क्राइम को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं क्राइम करने वाले लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से अपराध करने से नहीं चूकते। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पंजीकृत कराने के नाम से 3,500 की डिमांड किए जाते हैं, इसके अलावा 2,75,000 रुपए देने के लिए उनसे अलग अलग किस्तों में हजारों की धनराशि जमा करा ली जाती है, जिसके चलते भोले भाले गरीब तबके के लोग आवास के लालच में ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र में देखने को मिला है। थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी बाबूराम पुत्र श्याम बाबू ने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आवास के नाम पर अपने आप को बैंक मैनेजर बताते हुए पंजीकरण जीएसटी बीमा के नाम पर अब तक धोखाधड़ी कर 59,200 प्रधानमंत्री आवास के नाम पर किस्तों में अपने पेटीएम द्वारा जमा करा लिए। पुलिस ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। जांच उपरांत साइबर क्राइम प्रभारी थाना प्रभारी ने साइबर क्राइम करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए ग्रोह का सरगनाह दीपक पुत्र प्रवेश, अमित पुत्र राजेश निवासी गढ़गड़ेसी पुरवा थाना सचेड़ी, पंकज पुत्र राजू, रविंद्र पुत्र अर्जुन सिंह, नीरज पुत्र छपरा, विकास पुत्र राजपाल सिंह निवासी गढ़ कानपुर देहात को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों से 4,83,000, 3 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, 2 देसी तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा अभियुक्तों के खाते में जमा 1,35,000 विभिन्न बैंकों में जमा खातों को सीज कर दिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय के सुपुत्र किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमारे साइबर सेल प्रभारी रुपेश और इंस्पेक्टर भोगांव ने एक मिलकर के एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा है। इसमें 6 लोग पकड़े गए हैं। एक इसमें जो दीपक है, सचेड़ी कानपुर का रहने वाला है, इसका सरगना है। इसके साथी जो पकड़े गए हैं वो अमित, पंकज, रविंद्र, नीरज और विकास हैं। थाना भोगांव में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक बाबू राम है, जिनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पे 59,200 रुपये इन्होंने ठगी की थी और एक अकाउंट में डलवाया था। उसके बाद इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने पूरी घटना का पर्दाफाश किया है और जो फर्जी अकाउंट है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और जो जिस सिम का यूज़ करते थे उसको बरामद कर लिया गया है। साथ ही इनके कब्जे से 4,83,000 रुपये नकद, 1,35,000 रुपये इनके विभिन्न खातों में हैं, जो दूसरे जगह से ठगी किए थे उनको, उनसे जो इनके खातों में आए हैं उनको फ्रीज कराया गया है। इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 27 सिम किट बरामद हुई हैं, 10 ऐसे सिम बरामद हुए हैं जो ये विभिन्न लोगों को के साथ ठगी करते थे और 2 के पास असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही सातिर साइबर फ्रॉड का गैंग है जो बहुत सारे लोगों को ठगा है। ये इसमें से जो हमारा यह मुकदमा पंजीकृत हुआ था उससे संबंधित सारी चीज़ें बरामद हो गई हैं और इसमें कुछ और लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है, जो लगभग 6 लोग संदिग्ध नाम बताए गए हैं उनको भी हम ट्रेस करा रहे हैं। बाकी 36 ऐसे मोबाइल सिम बरामद हुए हैं जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम अभी डिटेल से जानकारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता है जो साइबर ठगों का, एक बड़ा गैंग को हमारी पुलिस ने। कोई नाम भी